उत्तरकाशी के मोरे के आरा कोट में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर डीएम डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में हुआ। शिविर में पुरोला विधायक राजकुमार भी शामिल हुए। इस शिविर में विभिन्न गांवों के ग्रामीणों ने दीवार निर्माण, सड़क निर्माण, पैदल मार्ग सहित कई अन्य शिकायत डीएम को बताई। इस दौरान ग्रामीणों के करीब 204 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। मौजा संबंधित जिस समय भीषण त्रासदी हुई क्षेत्र में, तो उस समय वैकल्पिक तौर पे लोगों को जो है ना, जो भी राहत सामग्री दी गई, बस वही हुआ। उसके बाद जो भी है, थोड़ी बहुत आंशिक सहायता मिली है, दो दो जो किसी को 2000, किसी को 2500, किसी को 3000, बाकी इससे ऊपर कुछ नहीं है ना। किसी मकान का क्लेम मिला जो क्षतिग्रस्त, आंशिक क्षतिग्रस्त थे या पूर्ण क्षतिग्रस्त थे, ना मकानों का कोई कंपनसेट हुआ अभी तक, ना कोई जमीन बागीचे वगैरह जो भी जितनी जमीन भई है उसी के वो प्रतिकर दे रखा है 2000, 2500, 3000 रुपये बस। बाकी जो है ना, सरकार की तरफ से कोई राहत सामग्री नहीं, अब कोई विशेष कार्य नहीं हुए। सड़कों के बहुत बुरे हाल है, पेयजल योजनाओं के बहुत बुरे हाल है पूरे क्षेत्र के अंदर। अभी तक 3 महीने से ज्यादा हो गए इस त्रासदी को, और अभी तक कोई भी काम वो सुचारू नहीं है। जिनके मकान बह गए वो अभी कहाँ रह रहे? वो रह रहे हैं, उनको उस समय प्रशासन ने जो टेंट मुहैया कराया है वो रह रहे हैं। टेंट मिले या नहीं किसी? हाँ, नहीं, जिन लोगों को मिले, जो जिनके पूरी तरह से घर बह गया, तो अपने त्रिपाल बाजार से लाके उनमें रह गए लोग। वहीं ग्रामीणों की शिकायतों को सुनने के बाद डीएम ने गंभीरता से लेते हुए उन पर आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही। अगर हम रिकंस्ट्रक्शन वर्क्स की बात करें, तो स्क्रीनिंग कमेटी के थ्रू हम लोगों ने जितने भी एस्टिमेट्स हैं वो शासन ने भिजवा दिए, और मैं रिमाइंडर्स भी मेरी तरफ से भेज रहा हूँ कि ताकि जल्दी से जल्दी पैसा अलॉट होने के बाद में हम वाटर सप्लाई की स्कीम या पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड जो रोड कंस्ट्रक्शन की स्कीम्स हैं उन पर जल्दी से जल्दी काम स्टार्ट करवा सकें। सेकेंड आस्पेक्ट जो है दैवीय सहायता को लेकर, तो उसके कुछ पार्ट हैं जो लीगल केसेज हैं या जिन्हें पात्र केसेज हैं उनको ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन जैसे सरकारी ज़मीनों पर कुछ लोग रह रहे थे या इसी तरीके की जो क्षतियाँ हैं जो मानकों में नहीं आ पा रही, तो उस संबंध में माननीय सीएम साहब के स्तर पर जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके लिए हम यहाँ से पत्र प्रेषित कर देंगे। सर, जैसे तो 3 महीने के बाद भी सर लोगों में भरपाई अभी तक नहीं हुई और मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा जो है कृषि से रिलेटेड जो मुआवजा है, उसमें लोग जो हैं वो शिकायत ये कर रहे हैं कि उनको उसकी राशि कम है। तो इसमें एक बार मैं वैसे तो दिखवा रहा हूँ, लेकिन कृषि सब्सिडी या इनपुट मानकों में जो राशि है वो थोड़ा कम रहती, तो एक बार ग्राम स्तर पे समझा भी दिया जाएगा कि मानक के अनुसार कितना हो रहा है, और अकॉर्डिंगली उन्हें दिया जाएगा, और अगर कहीं कोई गलती हुई है, त्रुटि हुई है, तो उसका तुरंत निराकरण हो। भी आपदा का जो विषय है, इस समय नियम 58 के अनुसार के तहत पहला क्वेश्चन हमारा ये लगा हुआ है, इस समय इसको सदन में उठाया जाए। और आज जो ये शिविर यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे जनता की बहुत सारी समस्याएं आई हैं, और उन समस्याओं को यहीं पे कुछ तो हल हो गई है, कुछ शासन स्तर पर भेजी गई है। सर, जैसे तीन महीने बीत गए, मैंने ये तो सरकार से बात मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि भाई तत्काल जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इसके साथ ही शिविर में पेयजल की शिकायत पर डीएम ने ईई जल संस्थान पुरोला को पेयजल लाइन दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही आपदा के दौरान निराश्रित परिवारों को पट्टे उपलब्ध कराने के संबंध में आई शिकायत पर डीएम ने एसडीएम और तहसीलदार को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए उत्तरकाशी से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट।